close till I get up. Time is barely on our side. हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्क गुड एस्के। मैं हूँ आपके साथ साहिद मलिक। मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेके हाजिर होता हूँ। जैसे हमारा बेडरूम रहता है, इसमें क्या डिज़ाइन होने चाहिए और जो आप अलमारी है वो कैसी होनी चाहिए। बेड तो हमारा इसमें पहले बना हुआ था, लेकिन जो हमारा इसमें कॉस्ट हुआ है वो सिर्फ अलमारी का हुआ है। अलमारी का साइज रहने वाला है 7x7 का। बाकी हमारी स्लाइडिंग वाली अलमारी है, आपको फुल वीडियो देखनी है, मैं पूरी वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। जैसा आप देख पा रहे हो, पहले यही से शुरुआत करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो, ये हमारा 6x6 का बेड है। ये पहले बना हुआ था, ये भी शायद इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। इसमें हमारी लैमिनेट व्हाइट और ब्लैक का इस्तेमाल किया हुआ है। साइज इस तरह, और 3 इंच की फट्टी का बॉर्डर पूरा घुमा रखा है। और टो की बात करें, टो कुछ इस तरह की होने वाली है। जैसे डेक्स बोर्ड हमारा कुशन का इस्तेमाल हुआ है। कुशन की हमारी 9 इंच की फट्टी ऐसे घुमाकर ऐसे बीच में हमारे पीस लगाए गए हैं। मेन हमारा जो प्रोसीज है वो हमारा स्लेटिंग जो हमारे वार्डरोब है उसी का ही होगा। बाकी मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी अलमारी है। अलमारी का जो हमारा साइज है, अलमारी का साइज हमारा 7x7 का होने वाला है। ऐसे हमारी 7 है, फिर ऐसे भी हमारी 7 ही है। 2 डोर की अलमारी है, 2 डोर बोल सकते हैं। इस तरह आप देख पा रहे हो कि हमारा ये पूरी 2 डोर होने वाली है। सबसे पहले हैंडल की बात करूँ, हैंडल हमारे का साइज हमारा 10 इंची का होने वाला है आपको इस तरह से। अगर आपको इसके भी फुल वीडियो देखनी है, उसका भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि हैंडल कैसे लगाया जाता है और कम समय में। और आप देख पा रहे हो जो हमारे लेमिनेट का इस्तेमाल किया हुआ है, ये हमारी वाइट कुछ इस तरह की लेमिनेट थी। ये जो हमारा कलर है ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, कुछ न्यू और कुछ मॉडिफाइड कलर नहीं है। और अंदर की बात करते हैं, अंदर हमारा खाना देखा होगा, फुल स्टोरेज मिलने वाली है। सबसे पहले जो आपको ऊपर वाला सेल्फ है वो हमने 12 इंच पे डाल रखा है। जैसे हमारी टेचिंग वगैरह होती है और बैग होते हैं, उनके लिए आपको क्या रखना चाहिए, इसमें यहाँ पे हमारा कंबल या टेची वगैरह बड़े आराम से फिट हो जाएगी। उसके बाद आप देख पा रहे हो जैसे हमारा कोट होता है, कोट का हम 45 इंच रखते हैं। बाकी लॉन्ग कोट का आपको 50 इंच रखना चाहिए। मैंने 45 इंच रखा है, अभी इसमें थोड़ा रोड लगनी बाकी है। बाकी मैं आपको बता दूँ, ये रोड हमारे यहाँ पे ऐसे लग जाएगी, ये हैंगिंग वाली रोड है, इस तरह आपको लग जाएगी। जैसे इसके नीचे आपको क्या करना चाहिए, जैसे इसके नीचे आपको 4 इंची की ड्रॉ कुछ इस तरीके से लगानी चाहिए। जैसे हमारी बेल्ट वगैरह छोटा सामान होता है वो आप किस तरह लगा सकते हो। और आप देख पा रहे हो हमारी कुछ इस हिसाब से हमने बना रखी है। तो दो हमने जैसे साइज बड़ा था, 2 पार्टीशन कर दिए हैं, जिसमें आपको छोटे सामान के लिए काफी सुविधा तो जैसा हो जाएगी। और व्हाइट ऑफ लेमिनेट का इस्तेमाल किया हुआ। बाकी आप देख पा रहे हो अंदर में थोड़ा फैंसी इस्तेमाल किया हुआ, जैसे हमारा चक्कू अंदर बोलते हैं, इसमें थोड़ा फैंसी वाला ये रहता है। नीचे आप देख सकते हो, नीचे भी हमारा 10-12 इंच की जगह बच जाती है। 7 फुट की अलमारी में ये भी डिजाइन है, इस तरह आप बना सकते हो। यहाँ पे भी हमारा काफी सामान आ जाएगा इस तरीके का। ये हमारा कोट वाला था। और दूसरे साइड की बात करते हैं, वो आपको इस तरीके से होना चाहिए, पूरे सॉफ्ट क्लोज पल्ले हैं। और अगर आपको इसके भी वीडियो देखने हैं तो हमारी कैसे लगाई जाती है हमारी रेलिंग सेट, इसमें मैं ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो पे आपको काफी ज्यादा प्यार दिया, ऐसे ही प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करें या ना करें वो आपकी मर्जी, हमारा काम है आपके पास अच्छी वीडियो पहुंचाना। सेम वही हमारा प्रोसेस होने वाला है। 12 इंच का खाना ऊपर है और साइड में हमारे 16-16 इंच के, इस तरह आपको डिवाइड करके लगा देने हैं। और नीचे आप बात करते हो कि हमने 8 इंच का ड्रो लिया है, इस तरह आप ले सकते हो। इसमें भी काफी ज्यादा स्टोरेज हो सकती है। जैसा आप देख पा रहे हो कि हमारा अंदर ऑफ लेमिनेट का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये आप नीचे देख सकते हो, ये भी हमारा पूरा इसी वजह से हुआ है। अंदर जो लगाने हैं आपको वही सेम माइका लगा देंगे, जैसे हमारा अंदर है वही इस पर भी होना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, इस पर बाहर वाला लगा देते हैं तो उसमें थोड़ा खूबसूरती नहीं आती। इस तरीके से आप ये वाला लेमिनेट का इस्तेमाल करें। और आप देख पा रहे हो नीचे वाले ड्रो भी साइज से है, बस आपको इसी तरीके से बना देंगे। मेन चीज आपको क्या रहती है, जैसे हमारा खाना रहता है और अंदर आप ड्रो लगा रहे हो, उसमें आपको डबल फट्टा लगा देना है। क्योंकि ये इसका यह फायदा रहता है कि आप केवल ड्रो खुल रही है तो ऐसा आपको अड़ता नहीं। और नीचे वाले में आपको ये इस्तेमाल देना, अगर आप स्लेटिंग वाली अलमारी बना रहे इसमें आपको इंची या 1.25 इंची का या 19 mm का आपको गैप देना है, ताकि हमारी रेलिंग में ना जाए और बड़े आसानी के साथ हमारी ड्रो खुल जाए। साइड में बात करता हूँ, साइड में हमारे इस टाइप के खाने मिलते हैं, जैसे हमारे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि बीच वाले खाने में क्या है, ये हमारा थोड़ा सीक्रेट है, मैं आपको इसको भी दिखा सकता हूँ। अगर आपको थोड़ा प्राइवेट सामान बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से रख सकते हो। पीछे हमारी 8 इंची की जगह है, थोड़ा इसी वजह से हमने थोड़ा बना दिया है। आप देख पा रहे हो बड़े आसानी के साथ और लोकिंग सिस्टम है,
थोड़ा इसको मालूम में थोड़ा कम होता है, बाकी आपको देख पा रहे हो इस तरह आपको मिल जाएगा। नीचे आप देख पा रहे होगे यही हमारा सेम प्रोसेस होने वाला है। और मेन नीचे हमने 6.5 इंच की गहराई के हिसाब से रो रखी है 3 रो। थोड़ा मैं करीब से दिखा देता हूँ आगे, इधर से आपको थोड़ा इस तरीके से मिल जाएगा। ये हमारी 7 इंच की ड्रो है। ड्रो में भी आपको जैसे आप सगेडिंग अलमारी बना रहे हैं, इस चीज का कारपेंटर भाई ध्यान रखे, आपको ये काफी इजी है। जैसे आपको ड्रो निकाल दे, ड्रो आपको 1.5 इंच ऊपर उठाकर लगा देनी है जैसे आपको बाहर निकालनी है, क्योंकि जैसे हमारा पल्ले में गैप वगैरह नहीं दिखता, फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। और आप देख पा रहे हो ये हमारी ड्रो होने वाली है। और साइड में जो आप फट्टी देख रहे हो ये भी हमने इसी वजह से लगाई है, जैसे हमारे पहले पहले में तो अच्छी मिल जाते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद पल्ला हमारा ऐसे गैप मारने लगता है। और आपको ये फट्टी आप लगा दोगे चारों साइड में, आपका पल्ला बिल्कुल काम भी अच्छा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। और ये देखो आप इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और आप देख पा रहे हो थोड़ा सा काम बाकी था, जैसे इसमें हमारी लाइट लगनी है अभी बाकी है। बॉर्डर जो साइज है ऊपर को हमारा 2 इंच रखा है और बाहर को हमने 3 इंच रखा है, 3 इंच का ऐसे ही घुमा रखा है। और अगर आप डीप की बात करें, डीप हमारी इसकी 25.5 इंच होने वाली है। और जैसे 1 इंच की पट्टी लगी ऐसे आपकी बढ़ती जाएगी, बाकी डीप हमारी बाहर से 25.5 है और अंदर से 22 इंच 400 है। इस तरीके से आपको ये अलमारी देखने को मिल जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। बाकी जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।